अगर आप अपने बच्चे को पैसा देते हैं तो सावधान हो जाइए, कोशिश करिए कि आपका बच्चा पैसा कहाँ लेकर जा रहा है, जो पॉकेट मनी आप उसको देते हैं बच्चा आपका पैसा कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, इसको जानने की जरूर कोशिश करिए। जी हाँ, मेरा नाम प्रत्युष है और आप NBC 24 देख रहे हैं। देखिए, भागलपुर घोघा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है कि आप जानकर इसको हैरान हो जाएंगे। एक रूपन मंडल नाम व्यक्ति का एक बेटा है जिसका नाम नंदन कुमार है, जो 12th का छात्र बताया जा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बता दें। रूपन मंडल का बेटा नंदन कुमार जो 12th में पढ़ता है, वो 3 महीनों से जो है बैटिंग गेम खेल रहा था, ऑनलाइन बैटिंग गेम खेल रहा था। काफ़ी सारा पैसा जो पॉकेट मनी जो परिवार वाले पेरेंट्स जो देते थे, वो सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। जो नंदन कुमार है उसे सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। उसके बाद बच्चा जो है क्या करे, कहाँ से पैसा लाए, वो सोचता है कि सारा पैसा जो है खत्म हो गया, अब हम अपने पेरेंट्स को क्या कहेंगे, या फिर अगर अब भी बैटिंग गेम अगर हमको ऑनलाइन खेलना होगा तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे। उसके बाद बच्चा क्या करता है कि किसी अन्य नंबर से कॉल करता है परिवार वाले को, और सुबह से शाम तक रात तक गायब हो जाता है। परिवार वाले खोजना, रूपन मंडल और उनका परिवार वाले बच्चे को खोजना शुरू कर देते हैं। नंदन कुमार तो यहाँ गायब था, वो दूसरे के नंबर से घर वालों को कॉल करता है और कहता है कि मेरा अपहरण हो गया है, हमको 50,000 रुपये जो है अपहरण जिसने किया है वो 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। उसके बाद पेरेंट्स जो है रूपन मंडल जो है वो थाना पहुंच जाते हैं। थाना पहुंचने के बाद प्रशासन को बताते हैं कि देखिए मेरा बेटा जो है वो किडनैप हो गया है, 50,000 रुपये की फिरौती जो है वो हमसे मांगी जा रही है। उसके बाद पुलिस जो है जांच में जुट जाती है। जांच में जुटने के बाद पुलिस जो है वो रूपन मंडल को कहती है कि एक काम करिए, फिरौती जो मांग रहा है आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, जिस नंबर से आपको कॉल आ रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए और कहिए कि अकाउंट नंबर दो, हम फिरौती का जो पैसा है वो डाल रहे हैं। उसके बाद रूपन मंडल 50,000 रुपये जो है वो जो अपहरण करता है, यानी कि वो एक्चुअली तो उनका बेटा ही था, पैसा जो है रूपन मंडल डाल देते हैं। रूपन मंडल पैसा डालने के बाद जो पुलिस जो है लगातार मॉनिटरिंग करते रहती है कि खाता जो है पैसा तुरंत जैसे डाला जाता है वैसे ही पैसे का जो है ट्रांजेक्शन हो जाता है। पैसा जब ट्रांजेक्शन हो जाता है तो बच्चे का तुरंत कॉल आता है, तुरंत जो है फोन करके कहता है नंदन कि मेरा हमको जो है छोड़ दिया गया है। प्रशासन जो है वो लगातार जांच में तो जुटी हुई थी, लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, प्रशासन तुरंत वहां पहुंचता है। उसके बाद प्रशासन जो है बच्चे से लगातार पूछताछ करता है। प्रशासन पूछताछ करने के दौरान जो है सारा मामला क्लियर हो गया। बच्चा जो है वो 3 महीने से बैटिंग गेम खेल रहा था, काफी परेशान था, फ्रस्ट्रेट था, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से ही फिरौती का जो है मांग करता है। उसके बाद सारा मामला का जो खुलासा जो है वो हो गया। तो अब आप भी ध्यान रखिए, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं इस पे जरूर मॉनिटरिंग करें और कोशिश करें कि आप जो पॉकेट मनी देते हैं वो कहाँ खर्च कर रहा है, इसका बिल्कुल जरूर जो है आप ध्यान रखें। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप NBC 24 के साथ बने रहें। बहरहाल वीडियो आप हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।